गुड मॉर्निंग मैं रवि कुमार लेक्चरर कंप्यूटर साइंस जीपीसी पी डूंगरपुर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी एस तीन सौ सात डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग में डेटा और डेटा वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे यहाँ डेटा जो नॉर्मली अपन ऑपरेशनल डेटा काम में लेते हैं वो है और डेटा वेयर हाउस जो हम डेटा माइनिंग के लिए काम में लेते हैं तो ऑपरेशनल जो डेटा है वो सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का जिसमें से हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं और डेटा वेरा उसमें स्टोर करते हैं तो ऑपरेशनल डेटाबेस में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है जिससे हम डे टू डे ऑपरेशन है बिजनेस के उनको हम रन करते हैं और डेटा है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है अपडेट होता है और जो करंट वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट होती है जो लास्ट ट्रांजेक्शन होता है उसकी तो ऑपरेशनल डेटा बेस है उसमें डे टू डे इन्फॉर्मेशन होती है और फ्रीक्वेंटली इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है डेटाबेस है एक कलेक्शन है रिलेटेड डेटा का जो रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड एलिमेंट्स को जबकि डेटा वेरा हाउस है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि स्टोर करता है हिस्ट्रिकल और कमोटेटिव डेटा और ये जो डेटा है सिंगल या मल्टीपल सोर्सेज भी इकट्ठा कर सकते हैं डेटाबेस डिजाइन किया जाता है डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए जबकि डेटा वेयर हाउस डिजाइन किया जाता है डेटा को एनालाइज़ करने के लिए डेटाबेस है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जबकि डेटा वेयर हाउस है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा का कलेक्शन होता है डेटाबेस है उसमें हम ओ एल टी पी ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग काम में लेते हैं जबकि डेटा वेयर हाउस में ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ओलैब काम में लेते हैं अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कुछ पैरामीटर्स के साथ में पहला पैरामीटर पर्पज़ क्या है डेटाबेस क्यों बनाते हैं उसका पर्पज़ क्या है तो डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है रिकॉर्ड रखने के लिए जैसे हमारे पास फाइल्स होती हैं है रिकॉर्ड रखते हैं वैसे रिकॉर्ड रखते हैं जब भी कुछ रिकॉर्ड देखना है तो फाइल में से देख लेते हैं कुछ फाइल में और ऐड करना है तो हम ऐड कर देते हैं तो इस तरह से ये मैनिपुलेशन भी हो जाता है अपडेट भी कर देते हैं जो फाइल नहीं चाहिए होती है उसको डिस्टोर कर देते हैं डिलीट कर देते हैं जबकि डेटा वेराउस है वेरा उसको हम डिजाइन करते हैं एनालिसिस के लिए एनालाइज़ करने के लिए तो इसके अंदर फ्रीक्वेंटली अपडेशन नहीं होता है इसमें मैनिपुलेशन नहीं होता है मॉडिफिकेशन नहीं होता है एक बार जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई वो हो गई प्रोसेसिंग मेथड जैसा कि अभी अपन ने देखा कि डेटाबेस है उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग होती है इसका एक एग्जांपल समझ सकते हैं जैसे बैंक के अंदर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कैसे होती है जैसे आप ए जाते हो ए से पैसे निकालते हो तो आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन होता है और जितना पैसा आपने विड्रॉ किया वो डेबिट हो जाता है और वो आपकी पासबुक में रिफ्लेक्ट हो जाता है तो ये जो एटीएम कनेक्टेड है वो है ऑपरेशनल डेटाबेस से और ओएलटीपी हो रहा है वहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होता है आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो आप टिकट्स बनाते हो जो भी आप काम कर रहे हो सारा ओ एल में आ रहा है डेटा वेयर हाउस है उसमें ओले काम में आता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग यूज डेटाबेस हेल्प करता है फंडामेंटल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में जबकि डेटा वेयर हाउस है वो हमें अलाउ करता है डेटा को एनालाइज करने के लिए बिजनेस पर्पज़ के लिए ओरिएंटेशन ऑपरेशनल डेटाबेस है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है डेटा का कलेक्शन और डेटा वेयर हाउस है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा का कलेक्शन होता है स्टोरेज लिमिट जनरली जो ऑपरेशनल डेटाबेस है वो एक सिंगल एप्लीकेशन के लिए काम में आता है और जो डेटा वेयर हाउस है वो डेटा स्टोर कर सकता है लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन से क्योंकि इसमें इंटीग्रेट करते हैं ना हम डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से डेटा टाइप जो ऑपरेशनल डेटा बेस है उसमें डेटा बेस है वो अप टू डेट रहता है मैनिपुलेशन होता रहता है चेंजेस होते रहते हैं जबकि डेटावेरा उसमें करंट और हिस्ट्रिकल डेटा स्टोर होता है अप टू डेट नहीं होता है क्यूरी टाइप कैसी होती है ऑपरेशनल डेटाबेस में क्यूरी जो होती है वो सिंपल होती है जबकि हाउस में कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती है एनालिसिस परपज़ के लिए डेटा कैसा होता है ऑपरेशनल डेटाबेस में जो डेटा होता है वो डिटेल्ड डेटा होता है डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कितने टाइम पर कहाँ से पैसा विदड्रॉ किया है, कौन से एटीएम से किया वो सारी डिटेल आ जाएगी उसके अंदर जबकि डेटा वेयर हाउस में जो डेटा होता है वो समराइज होता है समरी होती है डिटेल में नहीं होता है एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं जैसे एयरलाइंस में ऑपरेशनल डेटाबेस कैसे काम में आता है जो रिजर्वेशन हो रहा है टिकट्स बिक रही है और जो एयरलाइंस का शेड्यूल है कब कौन सी फ्लाइट जाएगी तो ये सारा ऑपरेशनल डाटाबेस में रहता है तो डेटा वेयर हाउस में क्या रहता है ये वेयर हाउस में रहता है जो एयरलाइन सिस्टम के मैनेजमेंट ऑपरेशंस होती है उनसे रिलेटेड डेटा जैसे क्रू असाइनमेंट एनालिसिस ऑफ रूट फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम डिस्काउंट स्कीम्स फॉर पैसेंजर्स तो डेटा वेयर हाउस में इंफॉर्मेशन रहेगी कि पिछले क्वार्टर में कितने टिकट्स बिकी है कौन से सीजन में बिकी है कौन से रूट पर ज़्यादा टिकट्स बिक रही है तो वो समराइज डेटा रहता है जिसको एनालाइज करके डिस्काउंट प्रोग्राम वगैरह चला सकते हैं और उससे बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जैसे बैंकिंग के अंदर तो बैंकिंग के अंदर ऑपरेशन डेटाबेस जैसे मैंने बताया कि जो कस्टमर्स हैं उनके लिए काम में आ रहा है आप ट्रांजेक्सन कर रहे हो चाहे ऑनलाइन कर रहे हो चाहे एटीएम से कर रहे हो चाहे बैंक में जा कर रहे हो जबकि डेटा वेयर हाउस है वो बैंकिंग सेक्टर में मैनेज करता है रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करता है ऑपरेशनल सिस्टम है वो डिज़ाइन किए जाते हैं हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग को सपोर्ट करने के लिए जैसे आपका एक बैंक अकाउंट है तो उस बैंक में लाखों कस्टमर हैं और वो कस्टमर एक साथ है वो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो लाखों जो कस्टमर्स है क्लाइंट्स हैं यूजर्स हैं उनको हैंडल कर सकता है ऑपरेशनल डाटा तो लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं ऑपरेशनल डाटा के जबकि वेयर हाउस सिस्टम है वो डिजाइन किया जाता है हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है लेकिन वो एनालिसिस परपज के लिए होता है और इसमें जो यूजर्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं ऑपरेशन सिस्टम है वो यूजुअली जो करंट डेटा होता है जो अभी भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड होता है जबकि डेटा वेयर हाउस है उसके अंदर हिस्ट्रिकल डेटा होता है ऑपरेशनल डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है वो मेनली रेगुलरली अपडेट होता रहता है ज़रूरत के हिसाब से जबकि डेटा हाउस के अंदर डेटा होता है नॉन वालीटाइल नॉन नॉन वोलीटाइल का मतलब उसमें मैनिपुलेशन नहीं होगा मॉडिफिकेशन नहीं होगा नया डेटा है वो रेगुलरली चाहे ऐड होता रहता है लेकिन एक बार जो डेटा ऐड हो गया वो बहुत ही रेयरली कभी चेंज होता है उसमें इसी को हम नॉन वॉलीटाइल बोलते हैं वोलेटाइल का मतलब होता है चेंज होती रहने वाली चीज़ टॉन वोलेटाइल मतलब चेंज नहीं होता ऑपरेशनल डेटाबेस है वो सपोर्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ कॉन करंट क्लाइंट्स जैसे मैंने अभी बताया कि हजारों हो सकते हैं लाखों भी हो सकते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ जो क्लाइंट्स है यूजर्स है उनको सपोर्ट करता है जबकि डेटा वेयर हाउस है वो सपोर्ट करता है एफ यू कॉन्करेंट क्लाइंट्स जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो अधिकारी है कई कि किसी भी कंपनी के हैं, वो सिर्फ उसको यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेस यूज किया जाता है ओ के लिए जबकि डेटा हाउस के लिए ओलेप हम काम में लेते हैं अब डेटा वेराउस के एडवांटेज क्या है क्यों हम इसको यूज करते हैं क्या एडवांटेज है तो एडवांटेज वही है जो अपन ने इसका यूज देखा है किसी काम में आ रही है कोई चीज़ तो वही एडवांटेज होता है उसका तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक कॉमन गोल होता है किसी भी कंपनी का क्या गोल होता है कि उसका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े उसका रिवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े तो एक डेटा वेयर हाउस है वो बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि डेटा है उसको एनालाइज किया जा सके और इंटेलिजेंट जो डिसीजंस हैं अच्छे डिसीजंस हैं अच्छी स्ट्रेटेजी है वो बनाई जा सके ताकि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो अब ये अलग अलग तरीके से कैसे काम में आता है तो एक तो डेटा वेयर हाउस डिलीवर करता है इन्हेंस्ड बिजनेस इंटेलिजेंस जो बिज़नेस को समझने का तरीका है उसको बहुत आसान बना देता है और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं डेटा वेयर हाउस को यूज़ करके क्योंकि डेटा वेयर हाउस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उनको एक्सेस करके जो कि डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट की गई है और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर है तो जो डिसीजन मेकर्स हैं जो कि कंपनी के बड़े अधिकारी हैं वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं और हाउस से डेटा लेके उसको एनालाइज करके अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कंपनी के लिए जिससे कंपनी का रिवेन्यू बढ़ता है तो ये डेटावेराउस का वो बिज़नेस प्रोसेस के लिए काम में ले सकते हैं जैसे मार्केट सेगमेंट के लिए सेल्स के लिए रिस्क इन्वेंट्री के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक ये टाइम भी बचाता है टाइम सेव करता है क्योंकि डेटा हाउस स्टैंडर्डाइज कर देता है प्रिजर्व करता है और स्टोर करता है डेटा को फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और एड करता है कॉन्सोलीसन और इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डेटा चूँकि जो क्रिटिकल डेटा है वो सारी यूज़र से हमारे पास अवेलेबल है तो हम जो डिसीज़न लेते हैं वो बहुत अच्छे से ले सकते हैं उस डेटा को यूज़ करके उसके अलावा जो एग्ज़ीक्यूटिव है वो डेटा को यूज़ करके आईटी सपोर्ट यूज़ करके टाइम को सेव कर सकते हैं मनी सेव कर सकते हैं इन्हेंसेज डेटा क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी डेटा वेयरहाउस है जो डेटा होता है मल्टीपल सोर्सेज से उनको कन्वर्ट करता है और उनको कंसिस्टेंट फॉर्मेट में स्टोर करता है क्योंकि जो डेटा है डिफरेंट सोर्सेज से है वो अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से है अलग अलग डिपार्टमेंट से लिया गया है अलग अलग तरीके से स्टोर किया गया है तो वो अलग अलग टाइप का डेटा होता है तो उनको हम एक टाइप का डेटा बना के उसको स्टोर करते हैं ताकि डेटा ज्यादा एक्यूरेट रहे और जो हम अच्छे डिसीजन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही आसान बना दे उसको जनरेट अ हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट है उस पर हाई रिटर्न जनरेट कर सकते हैं कंपनीज एक्सपीरियंस करती है हाईर रिवेन्यू एंड कॉस्ट सेविंग देन दोज दैट है इन्वेस्टेड इन ए डेटा वेयर हाउस तो डेटा वेयर हाउस को यूज़ करके जो इन्वेस्ट किया गया है पैसा उससे ज़्यादा रिवेन्यू कंपनी कमा सकती है प्रोवाइड कंपिटिव एडवांटेजेज़ डेटा वेयर हाउस है वो हेल्प करता है एक होलिस्टिक व्यू और एक स्टैंडर्ड इवेल्यूशन अपॉर्चुनिटीज़ जो रिस्क को कम करता है और कंपनीज को कंपिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डेटा वेयर हाउस है वो हमें हेल्प करता है बेटर डिसीजन लेने में क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो प्रिसाइज होता है रिलायबल एनालिसिस के लिए और इससे हम यूजफुल रिपोर्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं ये इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशंस को फोरकास्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ में ताकि जो हिस्ट्रिकल डेटा है उसको स्टडी करके फ्यूचर के लिए एक फ़ोरकास्ट किया जाए कि हम इतना रिवेन्यू जनरेट कर पाएंगे स्ट्रीम लाइन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा वेयर हाउस फेसिलिट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू ए नेटवर्क कनेक्टिंग और रिलेटेड नॉन रिलेटेड पार्टीज तो ये इतने सारे मेन शॉर्ट एड... में हम यही समझ सकते हैं कि डेटा वेयर हाउस है उसके अंदर हमारे पास क्या हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन है जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है मोबाइल बेचने वाली तो उसके पास पिछले पांच साल का पूरा डेटा स्टोर है कि कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में और कौन से क्वार्टर में कौन से सीजन में कौन सी रेंज के मोबाइल कितने कितने बिके ये सारा डेटा है तो उस डेटा को यूज करके वो फ्यूचर के लिए अच्छे प्लान बना सकते हैं जैसे हम देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आजकल देखते हैं जब कोई त्यौहार होता है दिवाली वगैरह तो न्यू ईयर वगैरह आता है क्रिसमस आता है तो कंपनीज हैं वो डिस्काउंट दे रही है और नए नए ऑफ़र्स लाते हैं इसके अलावा भी कंपनी जब वो अलग अलग ऑफर्स देते हैं कूपन्स देते हैं कैशबैक देते हैं तो ये सारा डिसीजन कहाँ से लिया जाता है ये सारा जो डेटा है पहले का हिस्टिकल डेटा उनको पता है कि अगर हमने ऐसा ऐसा किया था तो ऐसा ऐसा हुआ था तो हम फ्यूचर में भी ऐसा अगर डिसीज़न लेंगे तो इससे हमारा रिवेन्यू बढ़ेगा और अगर पास्ट में कोई डिसीज़न लिया था जिससे कंपनी को नुकसान हुआ था तो वो डिसीज़न लेने से बचेंगे तो डेटा है वो आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है कंपनीज के लिए जो गवर्नमेंट्स की स्कीम्स आती है वो भी पूरी जो हिस्ट्रिकल डेटा है उनको स्टडी करके ही बनाई जाती है तो डेटा वेयर हाउस का बहुत ही बड़ा योगदान है आज के टाइम पर डिसएडवांटेज क्या है अब एडवांटेज तो हमें पता है लेकिन इसके साथ डिसएडवांटेज भी होंगे डेटा वेयर हाउस के एक तो ये है कि जो डेटा सोर्सेज होते होते हैं डिफरेंट्स उनसे जब नया डेटा ऐड करते हैं डेटा वेयर हाउस में तो उसको एड करना कॉस्टली काम होता है क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा कि डिफरेंट सोर्सेज है डिफरेंट टाइप के डेटा रहते हैं और डिफरेंट तरीके से उनको स्टोर करते हैं तो उनको एक जैसा डेटा बनाना उनकी समरी बनाना और उसको फिर एक जगह स्टोर करना आपस में उसको cohesive बनाना तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है कॉम्प्लेक्स टास्क होता है तो इसके लिए आईटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है और ये काफ़ी कॉस्टली होता है कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि कई सालों तक उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट नहीं कर पाते डेटा वेयर हाउस में डेटा वेयर हाउस की बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना लोड करना क्लीन करना डेटा को ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें बहुत पैसा भी खर्च होता है डेटा वेयर हाउस है वो देखने में एक सिंपल स्ट्रक्चर लग सकता है लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है एक एवरेज यूज़र के लिए एक एवरेज यूज़र उसको नहीं समझ सकता है तो इसको समझने के लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम अच्छे से डेटा मैनिंग कर सकें हाउस से और उसको एनालाइज कर सकें तो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है यूज़र्स को इसको समझने के लिए इसमें भी काफी टाइम और पैसा खर्च होता है तो ये सारे डिसएडवांटेजेस भी है डेटा हाउस के तो आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक यू